तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल एमपी टेक में। और आज हम बात करने वाले हैं अंडर फोन 10,000 में बेस्ट फ़ोन अंडर बजट में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रेडमी गो की। 4,000-4,500 की रेंज में आपको ये फ़ोन मिल जाता है। और अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इसके अंदर 5 इंच का फुल HD डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। और इसके अंदर 8 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। 3000 mAh की बैटरी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। और अगर बात करें इसके स्टोरेज की तो आपको 1 GB की रैम और 8 GB की स्टोरेज आपको देखने को मिल जाती है। 4G फ़ोन है और 3000 mAh की बैटरी यार काफ़ी होती है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। और प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 425 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। अगर बात करें इसको बाय करने की तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। और चलिए तो सेकंड फ़ोन पे आते हैं हम। हमारा सेकंड फ़ोन है रेडमी 6A। इसके अंदर आपको 13 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। बात करें इसके प्रोसेसर की तो मीडियाटेक का हीलियो P22 इसके अंदर आपको लगा हुआ है। अगर बात करें इसके अंदर आपको बैटरी की तो इसके अंदर 3000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। और इसके अंदर डिस्प्ले की बात करें तो इसकी 6 इंच की डिस्प्ले 18:9 रेशियो के साथ आती है। फुल HD डिस्प्ले है, काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है इसकी भी। और अगर बात करें इसकी स्टोरेज की तो 2 GB रैम और 16 GB रोम इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा फ़ोन है, आप इसको भी ले सकते हो 6000 की रेंज में, काफ़ी अच्छा। तो बात करें हमारे थर्ड फ़ोन की, थर्ड फ़ोन हमारा आ जाता है रेडमी 7। हाँ जी, रेडमी 7 काफ़ी अच्छा फ़ोन है। इसके अंदर आपको कैमराज की बात करें तो इसके अंदर आपको 12+2 मेगापिक्सल बैक कैमरा देखने को मिल जाता है। फ्रंट कैमरा आपको इसके अंदर 8 मेगापिक्सल को देखने को मिल जाता है। और बात करें इसके प्रोसेसर की तो इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 632 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करें इसके बैटरी की तो 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। और इसके अंदर आपको 3 GB की रैम, 32 GB की स्टोरेज मिल जाती है। और बात करें इसके डिस्प्ले की तो इसकी 6.3 इंच की डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है नोच डिस्प्ले के साथ। फुल HD डिस्प्ले है इसकी। और बात करें इसकी प्राइस की तो यह आपको मिल जाएगा अराउंड 9,000 रुपीज़ में। तो बात करें हमारे अगले फ़ोन की तो अगला फ़ोन आ जाता है हमारा सैमसंग M20। हाँ जी, काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये भी, इसकी डिस्प्ले तो काफ़ी अच्छी है। तो बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की और इसकी प्राइस की। तो इसकी प्राइस आपको अराउंड 10,000 रुपीज़ पड़ जाएगी। और बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की तो इसके अंदर आपको 6.3 इंच का OLED डिस्प्ले, सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है, वी नोच। तो अगर हम बात करें इसके कैमराज की तो इसके अंदर आपको 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा प्लस 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाता है। और बात करें इसके फ्रंट कैमरा की तो इसके अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। और इसकी बैटरी काफ़ी अच्छी है, 5000 mAh की बैटरी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। और इसके अंदर सैमसंग ने इसके अंदर आपको सैमसंग का खुद का एक्जिनोस का 7904 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो आपको ठीक ठाक प्रोसेसिंग दे देगा, आपको पबजी वगैरह सब कुछ खिला देगा। तो बात करते हैं इसकी रैम की तो इसके अंदर आपको 3 GB रैम, 32 GB की स्टोरेज आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा फ़ोन है, फास्ट चार्जर आता है इसके साथ। और इसका बैटरी लाइफ भाई कमाल है, इसकी बैटरी 5000 mAh की बैटरी है इसकी, तो काफ़ी अच्छी बैटरी है। बात करते हैं हम हमारे अगले फ़ोन की तो अगला फ़ोन हमारा 5 नंबर पे फ़ोन हमने रखा है, 5 नंबर फ़ोन है हमारा रेडमी वाइफ 3। भाई अगर आपको सेल्फ़ी का शौक है ना तो काफ़ी कमाल फ़ोन है ये। इसके अंदर आपको बात करते हैं इसकी कैमरा की तो इसके अंदर आपको 12+2 मेगापिक्सल बैक कैमरा देखने को मिल जाता है। और फ्रंट कैमरा आपको 32 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, जो आप काफ़ी आराम से सेल्फ़ी वेल्फ़ी ले पाओगे। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है सेल्फ़ी वालों के लिए, भाई
बजट के अंदर काफ़ी अच्छा फ़ोन है। और बात करते हैं इसकी प्रोसेसर की, तो स्नैपड्रैगन का 632 प्रोसेसर लगा हुआ है। और बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो बैटरी इसके अंदर आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल और जाती है, इसकी 3 GB RAM 32 GB स्टोरेज मिल जाती है। तो ये आपको अराउंड 10,000 रुपीज़ में मिल जाएगा, हाँ अराउंड 10,000 रुपीज़ मिल जाएगा। और नोच डिस्प्ले इसकी 6.2 इंचज़ की डिस्प्ले आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है, नोच डिस्प्ले फुल HD डिस्प्ले इसको आपको देखने को मिल जाएगी इसके अंदर। बात करते हैं हमारे अगले फ़ोन की, तो अगला फ़ोन भाई एकदम हर चीज़ में बेस्ट फ़ोन है, Realme 3। हाँ भाई Realme 3 काफ़ी अच्छा फ़ोन है, 10,000 की रेंज में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की, तो इसके अंदर आपको 13+2 MP देखने को मिलता है रियर कैमरा। बात करें इसकी फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा आपको इसके अंदर 13 MP, हाँ जी 13 MP ही आपको इसके अंदर फ्रंट देखने को मिलता है। बात करें इसके प्रोसेसर की, तो मीडिया टेक का Helio P70, हाँ जी काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है मीडिया टेक का Helio P70 प्रोसेसर। और बात करें इसकी डिस्प्ले की, तो इसके अंदर आपको 6.3 इंचज़ की डिस्प्ले मिल जाती है, वो भी नोच डिस्प्ले। डिस्प्ले इसकी काफ़ी कलरफुल है, काफ़ी ब्राइट है, तो ओवरऑल डिस्प्ले भी इसकी काफ़ी अच्छी है। और बात करें तो इसकी स्टोरेज और रैम की, तो इसके अंदर आपको रैम मिल जाएगी 3 GB RAM और प्लस आपको स्टोरेज मिल जाएगी कम से कम 32 GB आपकी इसके अंदर स्टोरेज मिल जाएगी। और 4320 mAh की बैटरी है, जो काफ़ी अच्छी बैटरी है, और ये आपको अराउंड 10,000 के अंदर मिल जाएगा। तो इसका प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, रैम काफ़ी अच्छी है, सब कुछ अच्छा ओवरऑल अच्छा है। पर इसके अंदर सेल्फी, आपको पता है जिसको सेल्फी का शौक है वो Redmi Y3, मैं कहूँगा Redmi Y3 ले, और जिसको प्रोसेसर चाहिए वो ये ले सकते हैं।